नमस्ते, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप बाइक बाइक मैकेनिक का काम सीख रहे हो तो मैं आपको एक एक ट्रिक बताता हूँ, एवरेज किस तरीके से सेट करते हैं। मैं कंपनी में था तो मेरे को पूरा पता है कि बाइक का एवरेज किस तरीके से सेट करते हैं, इसके अंदर जो एयर और फ्यूल की मिक्सचर की जो पोजिशन रहती है वो कितनी रहती है। तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आपकी कार्बोरेटर की वजह से बाइक क्या क्या प्रॉब्लम कर सकती है, सबसे पहले हम जब पहले दूसरे तीसरे या चौथे गियर में गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी जैसे हम क्लच दबाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, फिर हम न्यूट्रल करेंगे, फिर इसको फिर चालू करेंगे, किक से सेल्फ होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो आरपीएम रहता है वो 1400 प्लस माइनस 100 होना चाहिए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक्सलेटर पर आपका हाथ नहीं होना चाहिए और गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, ऐसे बस गाड़ी आपकी चालू होना चाहिए इस तरीके का, ठीक है। और दूसरा नंबर, गाड़ी मिसिंग कर रही है, झटके मार रही है तो कार्बोरेटर की सफाई करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे कार्बोरेटर की सफाई और सेटिंग तब करना चाहिए, साइलेंसर में से देखो कि कौन सा धुआं निकल रहा है, ब्लैक धुआं निकल रहा है या ब्राउन धुआं निकल रहा है। यदि ब्लैक ब्लैक यानी काला धुआं निकल रहा है तो समझो एयर और फ्यूल की जो कार्बोरेटर है वो प्रॉपर तरीके से मिक्सचर जल नहीं पा रहा, तो ज़्यादा रिच मिक्सचर बन रहा है, तो इसकी सेटिंग करना चाहिए। यदि भूरा धुआं निकल रहा है, ब्राउन धुआं निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि इंजन के अंदर जो ऑयल है वो धीरे धीरे जल रहा है, ठीक है। अब आप जब भी कार्बोरेटर की सेटिंग करते हो तो गाड़ी को कम से कम 5 किलोमीटर चलाने के बाद ही सेट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई ने बोला अरे यार एवरेज कम दे रही तो आपने फटाक से सेट कर दिया, नहीं, कम से कम 5 किलोमीटर चलने के बाद ही आपको एवरेज सेट करना चाहिए। आप एक बार चला के आ जाइए, गाड़ी जब इंजन गर्म होता है उस समय आपको सेटिंग करना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स लग रहते हैं। ये आपको कार्बोरेटर दिख रहा है, इसके बाद जे वाला स्क्रू दिख रहा है, ये कितना स्क्रू दिख रहा है, ये वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू है। इसकी सहायता से एयर और फ्यूल का मिक्सचर ही तैयार करता है ये वाला मिक्सचर। ये वाला स्क्रू दिख रहा है, ये आरपीएम स्क्रू रहता है, आइडलिंग स्क्रू भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या कह रहता है, जो एक्सलेटर बाहर आता है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आया, उसके अंदर जो नीडल रखी है उसकी पोजिशन को सेट करते हैं, इसको कम ज़्यादा करके उसकी नीडल की पोजिशन को सेट करते हैं इस तरीके का, ठीक है। और ये वाला आपको दिख रहा है, ये चौक रहता है, चौक का मेन काम रहता है जब ठंड के समय रहता है उस समय एयर और की सप्लाई को कम कर देता है और पेट्रोल की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे गाड़ी जल्दी से चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू रहता है, ये आरपीएम स्क्रू रहता है और ये चौक रहता है। अब आपको किस तरीके से एवरेज सेट करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से एवरेज सेट करते हैं। तो ये इसका एक दो तरीके रहते हैं, आप इसको बंद करके भी सेट करते हो और चालू करके भी सेट कर सकते हो। तो उसकी कितनी पोजीशन रहती है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले गाड़ी को हम चालू करेंगे, ये गाड़ी को चालू कर दिया। गाड़ी को चालू करने के बाद ये आपको दिख रहा है ये आरपीएम स्क्रू जैसा, उसको हम बढ़ाएंगे। उसके बाद ये वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू रहेगा ना, उसको हम पूरा बंद करेंगे, तो पूरा बंद कर दिया। अब आपको कितना खोलना है तो मेरे अनुसार ही खोलना है आपको, दो ये हाफ आधा खुल गया, ये एक खुल गया, एक एक राउंड हुआ पूरा, ये डेढ़ राउंड हो गया यानी 1.5। तो थोड़ा सा कितना खोलना, इससे आरपीएम धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसको आरपीएम को हम इसको सहायता से कम कर देंगे, इतना हमको सेट करना है कि ये गाड़ी बंद ना हो और हमारा हाथ एक्सीलेटर पे नहीं होना चाहिए, इतना हमको इसके अंदर सेट करना है। तो ये आपकी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज भी देगी, लेकिन जब भी आप एवरेज सेट कर रहे हो तो गाड़ी को कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलाने के बाद ही गाड़ी को सेट चेक करना और गाड़ी का आपका अच्छा एवरेज देगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा, आप मैकेनिक हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप इस तरीके से सेटिंग करेंगे तो गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सिंह, थैंक यू।